हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक सुपरहिट मूवी द नेवर गोन की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। ये एक हाई स्कूल लव स्टोरी है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक अमीर लड़का एक गरीब लड़की के प्यार में पड़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी की मेन लीड यूनजिन को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रही होती है। वो इतनी देर से किसको ढूंढ रही है और क्यों, यही हम इस मूवी में देखेंगे। और फिर हमें पास्ट ईयर 2007 को दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि यूनजिन के पापा बहुत बीमार है और उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया है। घर का सारा खर्चा यूनजिन और उसकी मॉम बहुत मेहनत से उठाते हैं। इस हाई स्कूल में अच्छी तरह से पढ़कर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और फिर अपनी मॉम की फाइनेंशियली हेल्प करना ही यूनजिन का सपना था। जब वो हाई स्कूल पहुंचती है तभी एक लड़का बहुत स्पीड से आता है और यूनजिन को पानी से गीला कर देता है। और ये लड़का कोई और नहीं, इस स्टोरी का सेकेंड मेन लीड यांग होता है। यांग एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और स्टडी में भी बहुत इंटेलिजेंट होता है और साथ ही स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा होता है। स्कूल की कई लड़कियों ने यांग को प्रपोज किया होता है लेकिन यांग को किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं होता है। अब क्लास स्टार्ट होती है, यूनजिन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब इसी तरह से रोज क्लास चलती है। फिर हम देखते हैं कि क्लास के टेस्ट का रिजल्ट आता है और हमेशा की तरह यांग ने सभी सब्जेक्ट्स में टॉप किया होता है लेकिन यूनजिन बहुत मुश्किल से पास होती है। एक लड़का यूनजिन का मजाक बनाता है और कहता है कि तुम तो स्टडी में हमारे जैसी हो। यूनजिन को बहुत बुरा फील होता है। यांग उसके नंबर देखने की कोशिश करता है लेकिन यूनजिन उसे देखने नहीं देती। यांग उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प कर सकता हूँ लेकिन यूनजिन उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यूनजिन वॉशरूम जा रही होती है तभी यांग उसकी नोटबुक उससे खींच लेता है और उसे तंग करने लग जाता है। तभी यूनजिन की नोटबुक से सैनिटरी नैपकिन गिर जाता है जिससे यूनजिन को बहुत गुस्सा आता है और वो यांग को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और वहां से भाग जाती है। अब ब्रेक खत्म होता है और क्लास स्टार्ट होती है। यांग यूनजिन को उसकी नोटबुक वापस देते हुए उससे माफी मांगता है लेकिन यूनजिन उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती और उसे इग्नोर करती है। फिर यांग अपने पैर से उसकी टेबल को हिलाने लग जाता है लेकिन यूनजिन अपने टेबल से यांग के पैर को कुचल देती है। अब क्लास ओवर हो जाती है और यूनजिन अपनी फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है तभी यांग और उसका फ्रेंड वहां आते हैं। यांग का फ्रेंड यूनजिन से कहता है कि इसके लंगड़ा के चलने का कारण तुम हो, इसलिए तुम्हें ही इसके इलाज का खर्चा देना होगा। यूनजिन अपना एटीएम कार्ड उसे दे देती है और वहां से चली जाती है। यांग को अपने फ्रेंड पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यांग तो सिर्फ यूनजिन से बात करना चाहता था, ना कि उससे पैसे लेने चाहता था। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट लंच कर रहे होते हैं तभी यांग का फ्रेंड सबको कहता है कि आज तुम सबके खाने के पैसे इसी एटीएम से जाएंगे तो तुम सब जो भी कुछ खाना चाहते हो वो ऑर्डर कर सकते हो। तभी वहां पर यूनजिन की फ्रेंड आती है और उन्हें कहती है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्या तुम्हें पता भी है यूनजिन ने कितनी मेहनत से ये सब पैसे जोड़े थे और तुम लोगों ने एक झटके में सारे पैसे उड़ा दिए। जिसे सुनकर यांग को बहुत बुरा लगता है और वो यूनजिन के सारे पैसे वापस कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम यूनजिन को देखते हैं, वो टेरिस पर खड़ी होती है और बहुत टेंशन में होती है। तभी वहां पर यांग आ जाता है और उससे उसके परेशान होने का कारण पूछता है। यूनजिन पहले तो उसे कुछ नहीं बताती लेकिन यांग के फोर्स करने पर वो उसे बताती है कि फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण मैं अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ और टेस्ट में भी मेरे कम मार्क्स आते हैं। जिसे सुनकर यांग कहता है, बस इतनी सी बात, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प कर दूंगा। लेकिन यूनजिन उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है।
पर बाद में वो मान जाती है। अब रोज क्लास खत्म होने के बाद यांग उसकी स्टडी में हेल्प करता है, जिस कारण युनजिन के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनजिन कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। यांग युनजिन की फ्रेंड से जाकर पूछता है कि युनजिन स्कूल क्यों नहीं आ रही है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि वो अपने घर गई हुई है। यांग युनजिन को बहुत मिस कर रहा होता है, उसका स्टडी में भी मन नहीं लगता है। फिर एक दिन युनजिन की फ्रेंड उसकी जगह पर आकर बैठ जाती है। यांग उसे पूछता है कि युनजिन की जगह पर तुम आकर क्यों बैठी हो और युनजिन कब स्कूल आएगी। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि युनजिन हॉस्टल में तो आ चुकी है, लेकिन पता नहीं क्लास क्यों नहीं आई। और ये सुनते ही यांग भागते हुए युनजिन के हॉस्टल जाता है और उसे पूछता है कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई और तुम इतने दिनों तक कहाँ थी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो तुम मुझसे नाराज हो। युनजिन कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो और आगे से मुझसे यहाँ मिलने मत आना। लेकिन तभी यांग युनजिन की बाजू पर एक ब्लैक कलर का कार्ड देख लेता है, जिसका मतलब होता है कि युनजिन के फादर की डेथ हो गई है। फिर युनजिन वहां से भाग जाती है और यांग भी उसके पीछे पीछे भागता है। युनजिन बहुत रोने लग जाती है। फिर यांग उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देता है ताकि युनजिन अपनी स्टडी पर फोकस कर सके। अब काफ़ी टाइम बीत जाता है और उनकी हाई स्कूल की स्टडी भी ख़त्म हो जाती है और आज उनकी फेयरवेल पार्टी होती है। यांग ने युनजिन से उस दिन के बाद से आज तक बात नहीं की और अपने प्रॉमिस को पूरा किया। आज भी फेयरवेल पार्टी में यांग युनजिन को दूर से ही देख रहा होता है। फिर यांग युनजिन के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। युनजिन डांस करने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों कपल डांस करने लग जाते हैं और तभी वहां पर लाइट चली जाती है। लाइट आने पर युनजिन वहां से भाग जाती है, यांग भी उसके पीछे जाता है। फिर यांग युनजिन को प्रपोज करता है, युनजिन शॉक हो जाती है। यांग कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और ये सुनकर युनजिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे, क्योंकि यांग एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसके हाँ बोलने पर यांग उसके बारे में क्या सोचेगा। इसलिए वो उसे बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है और रोते हुए सोचती है कि इसके बाद वो यांग से कभी नहीं मिलेगी। और अब साल 2009 में युनजिन को दिखाते हैं जो एक लाइब्रेरी में काम कर रही होती है और वहाँ पर एक जुआन नाम का सीनियर भी युनजिन को लाइक करता है। वो दोनों साथ में काम करते हैं। युआन युनजिन की बहुत हेल्प भी करता है। अब एक दिन युनजिन अपना काम ख़त्म करके लाइब्रेरी से बाहर आ रही होती है, तभी अचानक वहां पर यांग आ जाता है। युनजिन उसे देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। यांग कहता है कि मैंने आखिरी बार तुम्हें फेयरवेल पार्टी में देखा था, लगता है तुम मुझे भूल चुकी हो। और उसे कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं यहां तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ पास वाले मंदिर जा रहा था। तभी वहाँ पर युआन आ जाता है। युआन यांग से कहता है कि मैं युनजिन का बॉयफ्रेंड हूँ, जिसे सुनकर यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ओ वाओ, व्हाट ए कोइंसिडेंस, मैं भी युनजिन का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं युनजिन को स्कूल टाइम से प्यार करता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ पास वाले मंदिर में जा रहा था, क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। फिर सभी मंदिर जाते हैं। यांग और युनजिन मंदिर में एक बुक पर अपनी अपनी विशेस लिखते हैं। युनजिन जब यांग की विश देखने की कोशिश करती है तो यांग उसे देखने नहीं देता और अपनी विश को हाइड कर लेता है। फिर वो दोनों बाहर जाकर अकेले में बातें करते हैं। युआन उन दोनों को साथ में देखकर जेलस होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है।
यांग जुनजिन से पूछता है कि तुम फेयरवेल पार्टी के बाद मुझसे एक बार भी नहीं मिली और तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया बल्कि वहाँ से भाग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे पसंद करती भी हो या नहीं, मुझे अभी के अभी इसका जवाब चाहिए। लेकिन फिर भी जुनजिन उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वहाँ जैंग जुनजिन को ड्रिंक पीने को कहता है, लेकिन जुनजिन उसे मना कर देती है। लेकिन यांग के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर जुनजिन ड्रिंक कर लेती है। फिर यांग उसे रीज़न पूछता है कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई, लेकिन जुनजिन बिना कोई जवाब दिए बेहोश हो जाती है। यांग गुस्से में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी जुनजिन नींद में यांग का नाम बार बार लेती है, जिसे सुनकर यांग बहुत खुश हो जाता है, लेकिन युआन को बहुत गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट डे युआन जुनजिन से बात नहीं करता है और उसे इग्नोर करता है, क्योंकि नशे में जुनजिन यांग का नाम ले रही थी, जिसका मतलब है कि जुनजिन यांग को पसंद करती है। जुनजिन को समझ नहीं आ रहा था कि युआन उसे क्यों इग्नोर कर रहा है, इसलिए वो यांग के होटल जाती है और उस पर गुस्सा करती है और उससे पूछती है कि तुमने युआन से क्या कहा जो वो मुझे इग्नोर कर रहा है और मुझसे नाराज है, जिसे सुनकर यांग को बहुत गुस्सा आता है और उससे कहता है कि मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम एक दिन मुझे कहोगी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे अपना लोगी, लेकिन तुम्हें तो युआन की टेंशन है। जुनजिन कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी और तुम भी मुझसे दूर रहो, और वहाँ से चली जाती है। और इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जुनजिन जैंग और जुआन में से किसको चूज करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel.